नमस्कार दोस्तों, हारमोनियम गुरु एडवांस लेसन में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक एडवांस लेसन लेके आया हूँ कॉर्ड्स के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको एक राग के कॉर्ड बताऊंगा, देन उसी राग के ऊपर एक गाना बजा के दिखाऊंगा और उस गाने में कॉर्ड्स को कैसे यूज़ करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। आप उसी एग्जाम्पल से सारे गानों में सेम उसी तरीके से कॉर्ड्स को लगा पाएंगे, बजा पाएंगे। सो जो राग के मैं कॉर्ड्स जिक्र करने वाला हूँ, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट राग है। इस राग के ऊपर आपको ढेरों गाने मिलेंगे। तो राग का नाम है राग भैरवी। सबसे पहले इस राग के स्वर जान लीजिए, सा, कोमल रे, कोमल गा, मा, पा, कोमल धा, कोमल नी और तार सप्तक का सा। ये आपका राग के स्वर है। इस राग में चार स्वर कोमल है, रे, गा, धा, नी, और बाकी के सारे स्वर शुद्ध है। सो अभी इसके कॉर्ड्स देख लीजिए। सा का जो कॉर्ड हम यूज़ करेंगे, सा, कोमल, गा, पा, और जो रे का कॉर्ड हम यूज़ करेंगे, रे, मा, धा, ये कॉर्ड यूज़ होगा, और गा कोमल का जो कॉर्ड यूज़ होगा, गा, पा, नी, और शुद्ध मा का जो कॉर्ड यूज़ होगा, मा, धा, सा, और पा का जो कॉर्ड हम यूज़ करेंगे, पा, नी, कोमल, गा। अभी कोमल धा का जो हम कॉर्ड यूज़ करेंगे, धा, सा, कोमल, गा, और जो नी का कॉर्ड यूज़ करेंगे, नी, रे, मा, ठीक है जी। और उसके बाद लास्ट में आखिर में तार सप्तक के सा का जो कॉर्ड यूज़ करेंगे, सा, गा, पा, ठीक है जी। आप ये कॉर्ड्स लिख लीजिए। अभी यही कॉर्ड मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा गाने में। सबसे पहले तो मैं आपको एक गाना यहाँ पे लेके चल रहा हूँ जो एग्जांपल के लिए। गाने का नाम है हमें तुमसे प्यार कितना, कुदरत मूवी से। तो इस गाने को एग्जांपल के तौर से देखेंगे कि इसमें ये कॉर्ड जो मैंने आपको लिखवाए हैं, ये कॉर्ड्स अपन कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं गाने में। तो ये जो कॉर्ड्स हैं मैंने सारे एक दफ़ा यहाँ पर लगा दिए ताकि आपको कॉर्ड सारे दिखाई देते रहें, ठीक है जी। ये देखिए यहाँ पे आपको एक साइड पे कॉर्ड दिखाई दे रहे हैं। अभी देखिए गाने के जो बोल हैं हमें तुमसे प्यार कितना, उसका जो स्केल मैंने रखा है, मैंने तीसरी काली को स्केल माना है, ठीक है जी। इसके अकॉर्डिंग ये सा हो गया है ना, मंत्र सप्तक का नी, मंत्र सप्तक का धा, पा, मा, और इसी अकॉर्डिंग सा, रे, है ना, आगे वाले स्वर सारे तार सप्तक के मध्य सप्तक में जाएंगे, राग भैरवी तीसरी काली से। अभी देखिए गाने की जो लाइन उठ रही है वो पास उठेगी, यहाँ से उठेगी, अभी इस गाने में कॉर्ड्स को लगाना तो कैसे लगाएंगे। गाने में कॉर्ड लगते कहाँ पे, कॉर्ड हमेशा वहाँ पे लगाए जाते हैं जहाँ पे गाने की लाइन का ठहराव होता है, जाने की गाने की लाइन खत्म होती है। जैसे कि पहली लाइन देखिए, हमें तुमसे प्यार कितना, ठीक है, तो पहली लाइन यहाँ पे रुक रही है। तो ये है आपका सा, क्योंकि हमने इस स्वर को सा माना है। तो मैंने क्या कहा था, ये सा हुआ, इस कॉर्डिंग ये आपके भैरवी के स्वर है, और मंत्र नीचे जाएंगे तो मंत्र सप्तक का नी, धा, पा, और अगर ऊपर की तरफ जाएंगे सा, कोमल, रे, गा, है ना, मा, इस तरीके से चलेंगे। अभी देखिए गाने की पहली लाइन कैसे, तुमसे प्यार कितना, तो ये लाइन सा के ऊपर खत्म हो, तो सिंपली सा का कॉर्ड, सा का, सा के ऊपर रुका तो सा का कॉर्ड लगा दी। फिर से देखिए, सा का कॉर्ड लगा दी, सा का पा, ठीक है। तो उसके बाद ये हम नहीं जानते, तो ये लाइन में नी पे रुक रही है, तो कोमल नी के ऊपर रुक रही, तो कोमल रे का, कोमल नी का कॉर्ड क्या है, नी, रे, मा, तो हमने नी, रे, मा, ठीक है जी। इसमें शुद्ध रे लग रहा है, इस गाने में शुद्ध रे लग रहा है, तो हमने शुद्ध रे का कॉर्ड लगा दिया। अगर यहाँ पे कोमल रे लगता तो हम कोमल रे का कॉर्ड लगाते, ये कॉर्ड लगा देते, ठीक है। फिर से देखिए पूरा बजा रहा हूं। अभी देखिए ये हम जब हमने तीसरी लाइन बजाई, ये हमने जानते मगर जी नहीं सकते, तो
तो ये लाइन आपकी रुक रही है माँ के ऊपर, तो यहाँ पे हम माँ का कॉर्ड लगाएंगे, माँ धासा, माँ धासा, ठीक है, माँ का कॉर्ड लगा। तुम्हारे बिना लास्ट फिर सा के ऊपर रुक गया। जिस स्वर के ऊपर लाइन रुकेगी उसी स्वर का, कोई लाइन गा के ऊपर रुक रही तो गा का कोड, माँ के ऊपर रुक रही तो माँ का कोड, पा के ऊपर रुक रही तो पा का कोड। इस तरीके से आप दुनिया के कितने भी गाने आप बजाइए उनमें सेम यही तरीके से यही कोड लगेंगे। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, राग भैरवी के ऊपर गाना है मेरे रश के गमन, ठीक है जी, ये गाना भी भैरवी पर आधारित है। और इस गाने में जो देखिए पहला कोड लग रहा है सा के ऊपर रुका तो सा का कोड, क्योंकि अभी मैंने पहली काली को सा माना है, तो इसी हिसाब से पहली काली का सा ये हुआ और कोमल का और पा पहला कोड। फिर नी के ऊपर रुका तो नीरे मा, नीरे मा कोड लगा दिया। सा के ऊपर तो सा का कोड। इस तरीके से आप कोई भी गाना हो जो राग भैरवी पर है, जिस स्वर के ऊपर गाना रुकेगा उसी स्वर का कोड लेगा। सारी चीज़ें मैंने आपको बड़े प्यार से बड़े सिंपल तरीके से समझाई, और आप इस तरीके से किसी भी गाने में कोई भी कोड लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते अगली वीडियो में, शुक्रिया।